What is wrong with you, Zahin? इस बदतमीज लड़की से बहस करने की क्या जरूरत है? Ignore her. मॉम, मेरा इसे टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप प्लीज इससे मेरी जान छुड़वाएं। आपके कहने पर शादी की थी ना मैंने इससे, अब जान छुड़वाएं मेरी। इंतकाम हो गया आपका पूरा, भेजें इसे घर। हाँ, अभी उसका वक्त नहीं आया है। अभी तो चिड़िया पिंजरे में फड़फड़ा रही है, और मैं सच बताऊं, इसकी तकलीफ, इसकी अज़ियत देख कर ना मुझे थोड़ा बहुत मजा आने लगा है ना। हिसाब किताब हो जाए थोड़ा सा बराबर, तो जान छुड़ा लेंगे इससे। Why are you worried? मामा, आपको जो करना है ना, अब प्लीज जल्दी करें। और इसके जाने के बाद ना मुझे वहां से शादी अनाउंस करनी है। नाराज रहती है मुझसे। हम दोनों ने आपके लिए बहुत कुछ किया, अब प्लीज आप भी कुछ करें। ऑल राइट, मैं अनाउंस करवा देती हूँ कि ज़हीन अपनी बिजनेस पार्टनर महा के साथ शादी कर रहा है, ठीक है? पर ये इसका क्या, ये अमल? अमल? अमल तुम्हारी शादी नहीं रुकवा सकती है। उसका क्या है, घर के किसी कोने में पड़ी रहेगी? व्हाई डू यू केयर? हाँ, लेकिन वो महा ऐसे नहीं मानेगी। मॉम प्लीज, आप मेरी ना इसे जान छुड़वाएं, तलाक देना चाहता हूं मैं इसे। महा को उसी बात से तसल्ली मिलेगी, समझ क्यों नहीं रही आप? महा से मैं बात कर लूंगी, ओके? लेकिन अमल को अभी तुम तलाक नहीं दे सकते। नहीं दे सकता मतलब क्यों नहीं दे सकता? भूल गए हो, अगर तलाक दोगे तो हक मेहर भी देना पड़ेगा, जो कि सिर्फ 60 करोड़ है, और ये बात सारी दुनिया जानती है। अब आप ही बताएं मैं क्या करूं, मैंने जो कुछ भी किया ना आपके लिए किया। देखो, हम ऐसा करेंगे कि वक्त आने पर अमल को इतना मजबूर कर देंगे कि वो खुद ही कोर्ट में जाकर खुला मांग लेगी। फिर ऑब्वियसली हक महर से तो हाथ धोने पड़ेंगे ना उसे। ये भी ठीक है, लेकिन ये जो अमल है ना, काफी सख्त जान है, इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। ऐसे मॉम, यू आर अ जीनियस। देख लिया, मैं सिर्फ सोचती नहीं हूं, जो कहती हूं करके दिखाती हूं। और तुम कहां जा रहे हो? हाँ, वो मुझे महा को पिक करने जाना है, अपनी फ्रेंड की तरफ है वो। ऑलराइट, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हें रात को कासिम दाद के घर से अमल को भी पिक करना है, और सबसे तमीज से बात करना, उन्हें अच्छा इंप्रेशन देना कि जैसे तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ ज़हीन के तुम अमल को इतनी अज़ियत दो, इतनी तकलीफ दो कि उसे पता चले कि मेरे साथ ज़बान दराज़ी का अंजाम उमर कैद है। यू डोंट वरी, मैं आपकी सारी गेम समझ गया, छोड़ूंगा तो नहीं उसे, लेकिन प्लीज इसके बदले आपको मां का ख्याल रखना है, प्रॉमिस मी। थैंक यू। अमल, तुम अकेली आई हो, ज़हीन नहीं आया तुम्हारे साथ? मामा वो आ रहे थे, लेकिन फिर उन्हें एक इम्पोर्टेंट कॉल आ गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। लेकिन आप परेशान मत हो, वो मुझे पिक करने के लिए आएंगे, और इंशाल्लाह डिनर पे भी हमें ज्वाइन कर लेंगे।
चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें यूं अपने घर में मुतमईन देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। हमेशा खुश रहो, तुम्हें कभी किसी की नजर ना लगे। मामा मैं जरा राफे से मिल लूं, ऊपर है वो? राफे अभी सनम और बंटी के साथ गया है, बस अभी आता ही होगा, स्पोर्ट्स डे की तैयारियां कर रहा है। चलें ठीक है मामा, मैं जरा अपने कमरे में हूँ, मैं आती हूँ। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं जूस लाती हूँ तुम्हारे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल आप आइए प्लीज। कैसी हो तुम? ज़हीन नहीं आया तुम्हारे साथ? ज़हीन मेरे साथ क्यों आएंगे? उनकी जिंदगी में मेरे लिए कोई जगह नहीं है, वो तो इस रिश्ते को मानते ही नहीं है, या फिर शायद वो ये रिश्ता रखना ही नहीं चाहते। तनी मुझसे ये शादी करके उन्हें मेरी जिंदगी बर्बाद करने की क्या जरूरत थी? अंकल उस घर में जो कुछ भी मेरे साथ हो रहा है वो मेरे लिए अनबियरेबल होता जा रहा है। मैं ज्यादा अरसा ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। अंकल हो सकता है कि मुझे वो घर छोड़ना पड़े। मैं मामा के सामने कोई ना कोई बहाना कर दूंगी ताकि वो हर्ट ना हो। आप मेरी हेल्प करेंगे ना? तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं है, इसे तोड़कर तुम यहां चली आओ। तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा असल घर है, उसे छोड़कर तुम यहां आके नहीं रह सकते हो। अंकल आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो इस रिश्ते को मानते ही नहीं है तो फिर मैं किस रिश्ते से बाहर हूं? अपना घर बसाने की कोशिश हमेशा औरत करती है, उसे एहसास दिलाओ कि तुम उसकी बीवी हो। यकीन दिलाओ उस बात का कि शादी के बाद तुम उससे मोहब्बत करने लगी हो, फिर देखना किस तरह वो खिंचा चलाएगा तुम्हारी तरफ।